है कि एक जरी कितने हाथ का होता है। एक जरी, एक जरी, ठीक है, एक जरी बराबर कितना, देखिए एक जरी में कितना हाथ होता है, ये आप निकाल भी सकते हैं, हम आप लोगों को लिखा भी दिए, ठीक है। तो अगर अगर आप मान के चलिए इसको निकालना चाहते हैं तो इस प्रकार निकालना निकाल सकते हैं कि ये एक जरी होता है 100 परी के बराबर, ठीक, 100 परी, ठीक है। परी को इंच में चेंज करेंगे तो इंच बराबर क्या हो जाएगा, 792। कैसे होगा 792, यहां पे देखिएगा, इंच लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पे देखिए, तो एक कड़ी में 7.92 इंच होता है, ठीक है, एक कड़ी में 7.92 इंच होता है, तो 100 कड़ी में कितना होगा, 100 से गुना करेंगे, ठीक है, ये 10 उठाएंगे, यहाँ पे 100 आ जाएगा, 100 से 100 कट गया, 792 आ गया, ठीक है, 792 क्या है, इंच आ गया। अब 792 इसको हाथ में चेंज करना है तो हाथ बराबर क्या हो जाएगा, देखिए हाथ बराबर 792 में हम जो है आराम से भाग दे देंगे 18 से, जब 18 से भाग देंगे तो ऑटोमेटिक ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो 18 से इसको भाग भाग देंगे तो कितना आ जाएगा थोड़ा बताइए, ठीक है। देखिए इसको जो 18 से भाग देंगे तो ये देखिए 44 आएगा सर, 44 आएगा सर। देखिए 18 से, बिल्कुल बिल्कुल उतना ही आएगा, देखिए 18 जो बहुत सारी यहाँ सर एक सेकंड, एक मिनट इसको हेलो सॉल्व करने दे, अरविंद जी एक मिनट जी। रुकिएगा थोड़ा, इसको आंसर बता देते उसके बाद बात करते हैं। देखिए 18 चौक 72 भाग देंगे 18 से तो आ जाएगा, जिनको नहीं आता है तो ऐसे दीजिएगा, ठीक है, 792 ना ऐसे दीजिएगा, 18 चौक 72, ठीक है, यहाँ पे बच गया 7, फिर 18 चौक 72, ठीक है, तो 72 72 कट गया, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, समझिए 72 72 कट गया, यानी 44, इसको लिखेंगे हम 44, ठीक है। तो ये इसके अंत, ये हाथ में आ जाएगा, कितने हाथ है, 44 हाथ है, ऑप्शन नंबर सी है इसका, ठीक है, क्या है, सी है, तो सी इसके आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ अरविंद जी बोलिए। सर कह रहे थे जो इसके पहले वाला क्वेश्चन था, देखिए 19 नंबर में देखिएगा, 19 नंबर में एक मील कितने जरीब का होता है, देखिए एक मील, एक मील कितने जरीब का होता है, तो एक मील बराबर जरीब आपको निकालना है, क्या निकालना है, जरीब निकालना है, ठीक है। तो यहां पे देखिए एक मील में कितना जरीब होता है, देखिए मील ये सब है लंबाई है, जब ये देखो वर्ग लगेगा तो एरिया निकलेगा, ये क्या है लंबाई, तो गौर ऐसा अगर क्वेश्चन आएगा तो गौर कीजिएगा, ये एक मील में 1760 गज होता है, क्या 1760 गज, लेकिन हमको ये पूछ रहा है क्या चीज में, जड़ी में पूछ रहा है कितना जड़ी है, तो देखिए एक मील बराबर 1760 गज होता है, ठीक है, 1760 गज होता है, ठीक है। और एक क्या बोलते हैं, एक जरी में जो है ना, एक जरी में पूछा है, एक जरी में ये 33 कितना हो गया आपको, सॉरी 12 36, ठीक है, यानी 66 फीट, 3 से इसको भाग दे देंगे तो कितना 22, यानी 22 22 क्या निकलेगा, 22 गज निकलेगा, ठीक है, 22 गज निकलेगा, यानी एक एक जरी, देखिए एक जरी में जो होता है ना, क्वेश्चन एक मिल में कितने जरीब होता है, ठीक है, इसको जरीब में हमको चेंज करना है, तो देखिए एक जरीब बराबर, एक जरीब बराबर 22 गज होता है, ठीक है, एक जरीब बराबर 22 गज, तो इसको हमको क्या करना है, जरीब में चेंज करना है, तो यहाँ पे 1760 गज बराबर क्या हो जाएगा, तो जरीब में चेंज करने के लिए कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, या आप जरीब बराबर ही लिख लीजिए वो भी चलेगा, जरी बराबर, ठीक है, इसको चेंज कर रहे हैं, ये याद रखिएगा, जरी बराबर इसको हम लिख सकते हैं 1760/22, ठीक है, इसको 22 से भाग दीजिए, तो 22 से भाग देने पे हमको कितना आ जाता है, 1760/22, यानी ये 80 जड़ी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 80 जड़ी आ जाएगा, जड़ी बराबर कितना आ जाएगा 80, ठीक है, तो 80 जड़ी हो जाएगा। तो हम देख लेंगे 20 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन में, 19 नंबर क्वेश्चन बना रहे थे,
19 में हो जाएगा 80 जरी, यानी क्वेश्चन नंबर सी आ जाएगा। क्या क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे बहुत व्यक्ति को समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, किनको है सो समझ में नहीं आया ये बताइए, फिर हम इस पे बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा अलग आ गया है क्वेश्चन, ठीक है, सो हो सकता है कि आप लोग को यहाँ पे कंफ्यूजन करेंगे करेगा। मिल तो अभी बताए नहीं है आप लोग को, मिल के बारे में हम बता दिए, ये जो हम मिल कब बताते हैं, जब आपको हम पैमाना जब पढ़ाते हैं ना, पैमाना जब पढ़ाते हैं तो मिल के बात करते हैं, लेकिन मिल अगर पहले आ, क्योंकि ये भी कॉन्सेप्ट है, मिल का लंबाई तो आपको जाना होना चाहिए ना, मिल का ये लंबाई ये है, ये हमको जड़ी में पूछ दिया, तो इस प्रकार ये निकलता है। हेलो सर, बताइए। हेलो, सूरज बोलिए। हेलो सर, 1 मिल बाउंड तो असली फुट में होता है सर? क्या बोले? 1 मील में अगर सर मान फुट में लेंगे सर, 5280 होता है। क्या चीज 5280? 1 मील में कितना फुट होगा सर? 5280 फुट। हम यहाँ पे क्या चीज में बात कर रहे हैं, इसको 3 से गुणा कर दीजिए ना, ये फुट में निकल जाएगा। यह सर 5280 होगा। हाँ, इसको 3 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि 1 गज में 36 इंच होता है, यानी 1 गज में 3 फीट होता है। अगर फीट में चेंज करना है, 1760 को आप 3 से गुणा कर देंगे ना, तो वो फीट में आ जाएगा, ठीक है। और किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। सर, या तो इसको 36 से गुणा करके 12 से भाग नहीं दे सकते हैं? 26 से गुणा करके 12 से भाग क्यों दे दे, क्या चीज में चेंज करना चाहते हैं सो बताइए। फीट में, फीट तो फीट में जो है, अगर फीट में चेंज कर रहे तो पहले आप इंच में करेंगे इसको, 36 से गुना करके फिर 12 से भाग देंगे तो वो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप इस चीज से बचना चाहते हैं तो इसको कुछ नहीं कीजिए। हाँ बोलिए, कर सकते हैं सर, पिक्चर वॉइस दोनों पर दे रहा है, हट गया यहाँ तो, नेटवर्क सही है, नेटवर्क सही है, वो आपके तरफ थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, इधर थोड़ा भी सही बता रहा है, इधर गड़बड़ होगा पहले हम बोल देंगे। ठीक है सर, अब सर वॉइस क्लियर हो गए सर। ठीक है सर, आपका वॉइस मार रहा है, आपका वॉइस देखिए, आप बता देते हैं फीट में चेंज करने का नियम कौन कौन सा नियम है, या इसको 36 से गुना करके 12 से भाग दीजिए, फीट में चेंज हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, या इसको डायरेक्ट जो है आप 3 से गुना कर दीजिए, ठीक है, वो फीट में चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों तरीका से निकाल सकते हैं। और इसमें अगर मान के चलिए आपको ये गज में है, ठीक है, अगर तो इसका और छोटा छोटा चीज में तोड़ तोड़ के निकाल सकते, लेकिन ये परफेक्ट तरीका है दोनों, लेकिन सबसे अच्छा है कॉन्सेप्ट आपको पता है कि 1 गज में 3 फीट होता है, हम आप लोग को पढ़ाए भी है क्लास में, 1 गज में 3 फीट होता है, तो 1760 गज में कितना फीट होगा, 3 से गुना कर दीजिए आ जाएगा जितना आना होगा, ठीक है। तो आप इसमें किसी को प्रॉब्लम है ये बताइए 19 नंबर तक सर। सर ये भी तो हो सकता है सर, सर एक 16 इंच बराबर 1 मील होता है सर, 1 इंच में जाहिर सी बात है 1 इंच में 5 कड़ी होता है, तो 85 जरी बेबी हो गया, तो वो चीज आप जब पैमाइश के जब आपको जो है दुनिया का पैमाइश का नक्शा वगैरह का जानकारी होने के बाद जब है ना, वो अलग चीज हो गया, लेकिन अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहे हैं जो बेसिक पे, वो तो हो गया ऊपर, वो तो पढ़ाए भी नहीं, तो उस पे नहीं, जितना तक अभी पढ़े हैं निकालने का बहुत सारे तरीका, लेकिन अभी तक जो पढ़ा है वो इतना ही 2 तरीका से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और चलिए ठीक है, आगे चलते हैं, 5 और क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। बीस क्वेश्चन